हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मोस्ट वेलकम है सभी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के यूट्यूब के चैनल पर, इंडियन इकोनॉमी की आज सेकंड लेक्चर में, जहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले की तरह, जैसे मैंने कहा था कि शुरू के तीन चार क्लासेस में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, तो आज जो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, इसका ध्यान रखिएगा कि एक फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट हो चुका है, इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद लेक्चर नंबर वन भी हो चुका है, जहां पर बेसिक जानकारी हमने ली थी कि आखिरकार अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र में किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में उसके डिफिनेशन क्या होती है, इसके सभी पहलू हम लोगों ने डिस्कस किए थे। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, आज दो तीन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, और ये कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है आपका कि नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था एक ही है। ये एक लेमैन या सामान्य रूप से जनरल डिस्कशन यदि हम करते हैं, सामान्य चर्चा परिचर्चा करते हैं, तो उसमें ये कहते हैं कि भाई अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में एमबीपीएससी के सिलेबस में अर्थशास्त्र नहीं है, एमबीपीएससी के सिलेबस में अर्थशास्त्र नहीं है। एमबीपीएससी के सिलेबस में क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। क्यों नहीं लिखा उसमें भारतीय अर्थशास्त्र? कहीं पर आपने सुना है कि भारतीय अर्थशास्त्र, कहीं पर आपने सुना है अमेरिका का अर्थशास्त्र, कहीं पर आपने सुना है मध्य प्रदेश का अर्थशास्त्र, कभी नहीं सुनेंगे। आप क्या सुनेंगे, एमपी की इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, आप कभी नहीं सुनेंगे अर्थशास्त्र किसी क्षेत्र विशेष का, आप सुनेंगे अर्थव्यवस्था। इसका मतलब कि देयर इज सम टाइप ऑफ डिफरेंस बिटवीन द दीज टू टर्म्स, दैट इज इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। तो आखिरकार ये संबंध क्या है दोनों के बीच, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हमारे सिलेबस में अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र सिलेबस में नहीं है। तो अब यानी कि इसमें आखिरकार अंतर क्या है, बेसिक नॉलेज प्लस इसके साथ साथ अर्थशास्त्र की शाखाएं, जैसे आप लोगों ने हमेशा सुना होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, अखबार पेपर वगैरह जब पढ़ेंगे तो इसमें इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी प्रयोग की जाएगी। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है, प्लस इसके साथ साथ मानवीय क्रियाएं, ह्यूमन एक्टिविटी, जैसा आप लोगों ने शब्द सुना होगा प्रोडक्शन, हमेशा सुनते हैं प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हाँ प्रोडक्शन घट रहा है, तो उत्पादन जिसे कहते हैं, कंजप्शन उपभोग जिसे कहते हैं, विनिमय एक्सचेंज जिसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण जिसे कहते हैं, तो आखिरकार इन शब्दों का मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र में इन शब्दों का तात्पर्य क्या होता है, इस चीज को हम अभी समझने का प्रयास करेंगे। तीन टर्मिनोलॉजी, जैसे मैंने कहा आपको कि तीन शब्द हैं यहाँ पर, इन तीनों को समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं किस पर, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में। दोस्तों हमेशा चीजें आप देखें, आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री हम लोग शुरू में डिस्कस किया कि अर्थशास्त्र एक कला के रूप में भी है, अर्थशास्त्र एक कला भी है, अर्थशास्त्र एक जो है कला के साथ साथ विज्ञान भी है, और विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करते हैं सिद्धांत, हम लोग डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स, इसका नियम, न्यूटन्स लॉ, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं। फिर डिस्कस करते हैं हम वो थ्योरेटिकल पार्ट, लेकिन जब प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है तो क्या आइडियल कंडीशन की तरह रिजल्ट आ जाता है? शायद नहीं। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे प्रमुख रूप से पर्यावरण प्रभावित करता है, और प्रैक्टिकली जो आइडियल चीज बात करते हैं, हम अपने जीवन में भी देखें, आइडियली तो बहुत हम इसको फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कितना फॉलो करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइडियल रूप से तो हम टाइम टेबल बना लेते हैं, चिपका लेते हैं, इधर लगा लेते हैं, इतने घंटे की पढ़ाई करेंगे, पर प्रैक्टिकली क्या उतना कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। अब ऐसा क्या, यही डिफरेंस समझिएगा मेरी बात को, कि यही डिफरेंस। अब यहां पर एक और चीज कि यदि दो चार स्टूडेंट्स हैं और दो चार स्टूडेंट्स ने सेम प्रकार का टाइम टेबल बनाया है, या थोड़ा बहुत अलग भी बनाया है, और वो टाइम टेबल अपनी अपनी जगह पर चिपकाते हैं, तो उनमें से कोई स्टूडेंट उसको ज्यादा फॉलो करेगा, कोई स्टूडेंट उसको कम फॉलो करेगा, कोई स्टूडेंट उससे कम फॉलो करेगा, कोई स्टूडेंट से लगभग बराबर फॉलो करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि रणनीतियां सबने बनाई, कोई कम फॉलो कर रहा है, कोई ज्यादा फॉलो कर रहा है, कोई कम फॉलो कर रहा है, कोई ज्यादा फॉलो कर रहा है, तो उसका रिजल्ट भी परिणाम भी उसी अनुसार हो सकता है, और हो सकता है ना भी वो बराबर भी हो सकता है। सेम यही चीज अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में। अर्थशास्त्र एक्चुअल में एक अध्ययन है, एक एक कह सकते हैं आप सैद्धांतिक पक्ष है, अर्थशास्त्र सैद्धांतिक पक्ष है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, और अर्थव्यवस्था जो है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। अर्थशास्त्र में सिद्धांत बनाए जाते हैं,
सिद्धांत वैसे एक दिन में नहीं बनते, सिद्धांत जैसे क्रमवार अध्ययन और उसके बाद फाइनल प्रिंसिपल बनता है कि भैया ये मांग का नियम है, लॉ ऑफ डिमांड है, ये मांग का नियम है। अब जब उसे किसी क्षेत्र विशेष में अप्लाई किया जाता है, जैसे कि भाई लॉ ऑफ डिमांड यूनिवर्सल इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है, भारत में भी पढ़ा जाता है, अमेरिका में पढ़ा जाता है, हर देश में पढ़ा जाता है, लेकिन जब उसे अप्लाई किया जाता है भारत में, जब उसे अप्लाई किया जाता है अमेरिका में, जब उसे अप्लाई किया जाता है ब्रिटेन में, तो हो सकता है कि उसके परिणाम जरूरी नहीं है कि सेम प्रकार के हों, थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकते हैं। और यही चीज जब किसी क्षेत्र में उसे अप्लाई किया जाता है तो वो उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बन जाती है, अर्थशास्त्र। क्षेत्र का अर्थशास्त्र नहीं होता, अर्थशास्त्र यूनिवर्सल होता है, अर्थ इकोनॉमिक्स जो है वो सार्वभौमिक होता है, सिद्धांत जो है सार्वभौमिक होते हैं, लेकिन व्यवहार प्रैक्टिकली चाहिए, प्रैक्टिकल जो है वो सार्वभौमिक नहीं होता है, वो पर्सन टू पर्सन, क्षेत्र टू क्षेत्र, रीजन टू रीजन, वो क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है। तो अर्थशास्त्र एक्चुअल में, अर्थशास्त्र बाजार के सिद्धांतों, रोजगार आदि की बात करता है, जबकि अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को खास क्षेत्रों में अपनाने के बाद की वास्तविक तस्वीर होती है। कैसी तस्वीर होती है? वास्तविक तस्वीर होती है। अर्थव्यवस्था किसी खास इलाके का अर्थशास्त्र होता है, जैसे भारत अमेरिका की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। यानी कि जब भी आप अर्थव्यवस्था शब्द सुनेंगे तो अकेले नहीं सुनेंगे, अर्थव्यवस्था शब्द अपने आप में अधूरा है, अर्थव्यवस्था शब्द के आगे आपको किसी न किसी क्षेत्र का, किसी न किसी क्षेत्र का नाम जरूर लेना पड़ेगा, लेकिन अर्थशास्त्र के सामने आपको किसी का नाम नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि अर्थशास्त्र यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, लेकिन अर्थव्यवस्था यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है, किसी क्षेत्र विशेष की होती है। तो यहां पर वही चीज है कि आपका क्या है, ये सिद्धांत है, ये आइडियल फॉर्म है, ये क्या है, यहां पर आइडियल, किसी अर्थशास्त्री ने बता दिया कि भाई ऐसा होगा, लेकिन जब उस अर्थशास्त्री का सिद्धांत अलग अलग क्षेत्रों में अप्लाई किया जाएगा तो जरूरी नहीं कि सेम रिजल्ट आए, हो सकता है कि सेम आ भी जाए, हो सकता है कि सेम ना आए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है, ये क्या है, प्रैक्टिकल है, ये व्यवहारिक है। जैसे हम कहते हैं कि हमें ज्ञान तो बहुत है, आइडियली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट यदि देखा जाए तो ज्ञान तो बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकली आप मेंस में आंसर राइटिंग करने गए, आप मेंस में आंसर आप लिखने गए, आपको बहुत ज्ञान है लेकिन आपकी स्पीड कम है, आपने बेहतर तरीके से सोच समझ नहीं पाए तो आपका पेपर गड़बड़ आ गया। हो सकता है कि आपसे कम पढ़ा हुआ वो ज्यादा उसकी स्पीड बढ़िया और खूब प्रैक्टिस की हो और बेहतर कर पाए, वो ये भी चीजें पॉसिबल हो सकती है। सेम यहां पर वही चीज है, यानी कि आप ये देखें कि दुनिया के कुछ देश एक समान आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उसी समय कुछ विशिष्ट समस्याएं भी होती हैं। बहुत से ऐसे देश हैं, आप हर क्षेत्र, जैसे हम कहें कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये हर देश की समस्याएं होती हैं, ये हर देश की चुनौतियां होती हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां ऐसी होती हैं जो क्षेत्र विशेष की होती हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के। हमारे देश में 28 राज्य हैं, लेकिन 28 राज्यों का जो टेरेन है वो बराबर नहीं है। उत्तराखंड की अलग समस्या है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आपका जम्मू कश्मीर, लेकिन मध्य प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, तो उसकी वो स्पेसिफिक समस्या नहीं होगी जो आपकी उत्तराखंड की होगी, जो आपकी हिमाचल प्रदेश की होगी, जो आपकी जम्मू कश्मीर की होगी। तो यहां पर वही कहा गया है कि कुछ आर्थिक चुनौतियां लगभग समान होती लेकिन कुछ विशिष्ट स्पेसिफिक हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन की। अर्थशास्त्री क्या करते हैं, इन समस्याओं का समाधान कैसे हो इसका, यानी कि समाधान ढूंढते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं और सॉल्यूशन देते हैं, और उस सॉल्यूशन में क्या है, सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, दैट मींस दे प्रोपाउंड प्रिंसिपल्स, और उस क्षेत्र विशेष पर निर्भर करता है कि अर्थशास्त्र का कौन सा सिद्धांत अपनाया जाए। फिर वो देश की, जैसे हमारे देश की सरकारें, हमारे प्रदेश की सरकारें देखती हैं कि भैया हमारे परिस्थितियों के अनुसार कौन सा बेहतर सिद्धांत कार्य करेगा। अब वो सिद्धांत हो सकता है कि दो समान क्षेत्रों में दो समान सिद्धांत लगाए गए, और हो सकता है कि दो समान क्षेत्रों में दो समान सिद्धांत लगाए गए वो दोनों अलग अलग परिणाम दे, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसका कारण क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। कई देश एक ही तरह की समस्याओं के निदान के लिए एक ही तरह के सिद्धांतों को अपनाते हैं, जबकि वही दूसरे देश एक जैसी समस्या के लिए अलग अलग सिद्धांत भी अपनाते हैं। That means many countries adopt the same principles for solving the same problems, while other countries also adopt a different principle for the different problems.
So, yahan par, in both circumstances, the results can be the same and results can be the different. Yani ki ho sakta hai कि जब किसी दो अलग अलग क्षेत्रों में सेम समस्या के समाधान के लिए सेम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए प्रिंसिपल सेम प्रिंसिपल अडॉप्ट किए गए अप्लाई किए जाएं तो हो सकता है कि सेम रिजल्ट आए और हो सकता है कि दो अलग अलग रिजल्ट आए। अब ऐसा क्यों होता है, उसका कारण होता है मूल रूप से आर्थिक सिद्धांत मानव समाज की आर्थिक गतिविधियों के व्यवहार व उनकी उम्मीदों पर आधारित होता है। मानव व्यवहार कई आंतरिक बाहरी कारकों पर निर्भर करता है। हमारे जो व्यवहार है सबका व्यवहार क्या सेम होता है, सबका बिहेवियर क्या सेम होता है, नहीं होता सेम, नहीं होता सेम। कोई अकड़ में होता है, कोई नतमस्तक होता है, कोई उसके बैलेंस में होता है, कोई ऐसे चलता है, कोई ऐसे चलता है, भाई साहब नमस्कार, और कोई कहता मैं इनको नमस्कार क्यों करूं, ये कौन से बड़े तोप हैं, ऐसे भी कह देते हैं। तो हमारा जो व्यवहार है वो कई, अब किस चीज पर ये हमारा व्यवहार है, ऐसा नहीं है, व्यवहार हमारा कई चीजों पर निर्भर करता है। बचपन से किस समाज संस्कृति किस प्रकार में हम रहे हैं, किस प्रकार से हमें सिखाया गया, किस प्रकार से कैसे कैसे हमारा अपलिफ्टमेंट हुआ, किस तरह के रहन सहन में, ये इन पर भी हमारे आंतरिक बाह्य सभी कारकों पर निर्भर करता है, सभी कारकों पर निर्भर करता है। और इसी कारण से जब सेम प्रिंसिपल सेम समस्या के लिए अप्लाई किए जाते हैं तो रिजल्ट अलग अलग भी हो सकता है। उनमें से प्रमुख कारण क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता का स्तर। कोयला है लेकिन कोयले का स्तर अच्छा नहीं है। कोयला कई प्रकार का होता है, चार प्रकार का आप लोगों ने प्रमुख रूप से पढ़ा है, लेकिन कोयला तो है, कोयले के भंडार है, लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। इंजीनियरिंग तो की है, डिग्री तो है, लेकिन प्रैक्टिकली में प्रैक्टिकल में कुछ पता नहीं है। मानव संसाधन तो है, जनसंख्या तो भारत में है, लेकिन जनसंख्या को स्किल्ड नहीं है। इतिहास तो हर देश का होता है। हम आधुनिक वर्ल्ड में आज डिजिटलीकरण की दुनिया है, डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा फैल गया है। क्या हम आज फोन ऑनलाइन पेमेंट में आप देख लीजिए, क्या हम परिस्थितियों के अनुसार बदले? आज भी यदि हम अखबार पेपर लेकर के ऑफिस में काम होता रहेगा तो वो ऑफिस और जो डिजिटल दुनिया की ऑफिस में है दोनों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। कितना हम परिवर्तन को स्वीकार कर रहे हैं और उस परिवर्तन के अनुसार अपने आप को एडॉप्ट कर रहे हैं, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार कैसे हम स्वीकार कर रहे हैं उसको। तो ये प्लस इसके अलावा मानसिकता शब्द मैंने यहां पर लिखा, मेंटालिटी, बेरोजगार हैं, बेरोजगार तो हैं, आता भी हमको कुछ नहीं है, लेकिन हमको कोई कह दे कि ये वाला काम कर दो तो कहेंगे तुच्छ का छोटा सा, ये वाला काम मैं नहीं करने वाला। मैं बहुत, मेरे पूर्वज बड़े खानदान के थे, ऐसे थे वैसे थे, एक मेंटालिटी होती, मैं बेरोजगार रह लूंगा तो रह लूंगा, ये वाला काम नहीं करूंगा, जिससे घर परिवार चल सके वो भी नहीं करूंगा। तो एक बहुत, ये जैसे मैंने कहा कि जो अलग अलग रिजल्ट होते हैं इसके अलग अलग जो अलग अलग, हाँ, क्लास रुकी हुई है, नहीं क्लास तो चल रही है, क्लास डेली होगी, क्लास डेली होगी, लेक्चर वाइज मैंने बना दिया है L1 L2 L3, तो ऐसे यदि आप किसी के अभी छूट जाए तो आप L1 L2 L3 करके देख लीजिएगा तो क्रम से आप सभी क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन। अब किसी भी देश में समझिएगा मेरी बात को कि गरीबी दूर करना है, गरीबी या भुखमरी की समस्या दूर करनी है। भुखमरी की समस्या दो, मान लीजिए दो देशों में सेम प्रकार की है, हर देश में भी हो सकती है। दो गरीब देश हैं, दोनों गरीब देशों में भाई देखा गया कि भुखमरी की समस्या है, सरकार ने, दोनों देशों की सरकारों ने कहा, अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भैया फ्री में वितरण करो अनाज का, या फ्री में नहीं चलो कुछ पैसे लेकर के वितरण करो अनाज का। अब अनाज वितरण के लिए दोनों देश में कार्यक्रम फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चल गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चल गया तो पता चला कि जो बांटने वाले थे वो भ्रष्टाचार में, एक देश में भ्रष्टाचार हुआ, सब खा गए, जनता तक पहुंचा ही नहीं है, और एक देश में पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो अब दोनों का परिणाम तो अलग अलग होगा ना,
दोनों का परिणाम तो अलग अलग होगा। तो यह भी देखा जाएगा कि किसी भी देश की सोशियो इकोनॉमिक जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो सामाजिक आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, और सामाजिक आर्थिक परिस्थिति भी एक फैक्टर होता है अलग रिजल्ट देने। तो यही मैंने कहा आप सभी को कि अर्थशास्त्र में सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत यदि देखा जाए तो थ्योरेटिकली उनको वो सेम रिजल्ट देना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली वो सेम रिजल्ट नहीं देते हैं, और इसीलिए वो क्या क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था हम उसे कहते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड इन पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज इकोनॉमी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यानी कि अर्थशास्त्र किसी आप ये कैसे अर्थव्यवस्था किसी खास क्षेत्र का अर्थशास्त्र होता है, किसी खास क्षेत्र का। जब हम अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में कोई खास क्षेत्र स्पेसिफिक रीजन जोड़ देते हैं तो वो अर्थव्यवस्था बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट में, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अर्थशास्त्र की शाखाएं यानी कि ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। दोस्तों अर्थशास्त्र की प्रमुख रूप से दो, ये एक्चुअल में अध्ययन का के रूप में है, अध्ययन के तरीके के रूप में आप कह सकते हैं, अध्ययन के तरीके के रूप में कह सकते हैं आप इसको। जैसे आपके सिलेबस में मेंस के सिलेबस में अलग अलग यूनिट हैं, पेपर है पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री पेपर फोर। तो आप किसी पर्टिकुलर यूनिट की बात करेंगे तो वो क्या है, सूक्ष्म बात कर रहे हैं, लेकिन जब किसी पूरे पेपर की बात करेंगे तो आप संपूर्णता में बात कर रहे हैं। सेम वही चीज है, जब किसी उपभोक्ता के, मान लीजिए मैं वो एक उपभोक्ता हूं, मैं भी तो उपभोक्ता हूं ना, बाजार से चीजें खरीदता हूं, मैं भी एक कंज्यूमर हूं। तो जब मेरे व्यवहार का अध्ययन आप करेंगे, मेरे व्यवहार का कि ये भाई उपभोक्ता ये किस प्रकार की चीजें, इसकी च्वाइसेस किस प्रकार की है, उस प्रकार से हम प्रोडक्शन करें। तो जब मेरे व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो वो सूक्ष्म अध्ययन है, और इसीलिए उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया जाता है, यानी कि उसको क्या कहा जाता है हिंदी में, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। लेकिन जब संपूर्ण देश के उपभोक्ताओं के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो क्या है आपका, समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट होगा। यानी कि आर्थिक विश्लेषण, इसके जन्मदाता जो है, जो प्रोपाउंडर है व्यष्टि अर्थशास्त्र के, वो एडम स्मिथ माने जाते हैं, द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जिन्होंने एन इंक्वायरी टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसके बाद से अर्थशास्त्र एक अलग विषय के रूप में आ गया। तो आर्थिक विश्लेषण का वह भाग जो व्यक्तिगत इकाई हो, जैसे फर्म, उपभोक्ता, श्रम इकाई, कोई लेबर यूनिट है जहां पर श्रमिक कार्य करते हैं, कोई फैक्ट्री है, एक पर्टिकुलर फैक्ट्री जिसके सीमेंट का एक प्लांट है, उसका अध्ययन करना अर्थ से संबंधित हो तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत उपभोक्ता का अध्ययन, किसी फर्म का अध्ययन। लेकिन जब ये जो है समष्टि अर्थशास्त्र, इसके जो प्रोपाउंडर है, जन्मदाता है, वो जेएम कीन्स, यानी कि जॉन मेनार्ड कीन्स, इनका ये समष्टि अर्थशास्त्र कहता है जब विश्लेषण का संबंध व्यक्तिगत इकाइयों के सामूहिक, व्यक्तिगत इंडिविजुअल फर्म का अध्ययन करते हैं तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है, लेकिन जब कलेक्टिव फर्म्स का अध्ययन करते हैं कि तरीके, तो ये क्या हो गया, तो समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे देश की बेरोजगारी, संपूर्ण बेरोजगारी का अध्ययन करना, देश की राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना, देश की गरीबी का अध्ययन करना, क्यों है गरीबी, उसके कारणों का पता लगाना, उसका सोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, जब इस चीज को देखा जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात की जाती है, तो ये क्या बनता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट हो जाता है। ये किसका हिस्सा हो जाता है, ये समष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा हो जाता है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा हो जाता है। क्लियर सभी को, आई थिंक ये चीजें जो है सभी को क्लियर होंगी। इसके बाद आते हैं दोस्तों मानवीय क्रियाएं, ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय क्रियाएं। सिंपल सी चीजों में देखिए, अर्थशास्त्र को आप इंजॉय करके पढ़िएगा, बोझ मत लीजिएगा। यदि आपने दिमाग में ये समझ लिया कि हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं यार, ये मेरे कम समझ में आती है यार, ये ऐसे नहीं समझ में आएगी, ये बड़ी टेढ़ी चीज है, तो फिर नहीं समझ में आएगी। आप बिल्कुल प्रैक्टिकली इसको समझिए, प्रैक्टिकली। वैसे भी मैंने कहा कि सिलेबस हमारे अर्थशास्त्र नहीं है, अर्थशास्त्र के सिद्धांत हमें नहीं पढ़ने, अर्थशास्त्र के प्रिंसिपल्स हमें नहीं पढ़ने। प्रिंसिपल्स पढ़ते तो हो सकता है वो कुछ टेक्निकल हो जाता है, यहाँ पर बिल्कुल सामान्य प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल चीज पढ़नी है और हमारी डेली लाइफ से संबंधित है, हमारे जीवन से, हर चीज के एग्जाम्पल हम अपने जीवन से ले सकते हैं। दोस्तों मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय क्रियाएं। अब आप सोचेंगे मानवीय क्रियाएं इसमें क्यों पढ़ रहे हैं,
एक्चुअल में कुछ टर्मिनोलॉजी है जो अर्थशास्त्र में प्रयोग किया जाता है, अर्थव्यवस्था में प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रोडक्शन है, कंजप्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सचेंज है यानी कि उत्पादन है, उपभोग है, विनिमय है, वितरण है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है अर्थव्यवस्था में। तो एक्चुअल में ये, अब मैं उस पर पहुंचने के पहले आपको यहां पर मानवीय क्रियाएं का टॉपिक लेकर के आपको फिर इसके बाद में आपको समझाऊंगा, बेहतर समझ में आएगा। हमारे दिन भर की जो गतिविधियां होती हैं दो प्रकार की होती हैं। जितना भी कार्य हम दिन भर में करते हैं, आप अपने से भी सोचिएगा, आप जितना भी दिन भर में कार्य करते हैं वो दो प्रकार का कार्य करते हैं। एक कार्य ऐसा करते हैं जिसका उद्देश्य धन कमाना होता है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जिसका उद्देश्य जीवन का भरण पोषण करना होता है। द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक प्रॉफिट, द ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी। यानी कि एक ऐसी आपकी गतिविधि होती है दिन भर की, एक नहीं बल्कि मल्टीपल मैं आपको हूं तो उसमें से एक, मैंने कहा कि एक ऐसी गतिविधि हो सकती है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना, लेकिन एक ऐसी गतिविधि भी होती है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, हालांकि उसका हिडन आजकल तो वही हो गया है, लेकिन उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं लेकिन आत्मसंतुष्टि होता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आप सुकून। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घर में पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो आप बिल्कुल शांत बैठते हैं पूजा करते हैं और वो एक सुकून के लिए करते हैं, हालांकि वहां पर भी लास्ट में कह देते हैं बहुत लाभ देना भगवान, इतना लाभ देना, उतना लाभ देना, मैं बहुत आगे बढ़ूं, इतना पैसा कमाऊं, वहां पर भी हो जाता है, लेकिन वो एक एक्चुअल में सुकून मिलता है आपको वहां पर। जब भी आप किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के हैं तो जब वहां पर जाते हैं किसी ऐसे देवस्थान में जहां पर रिलीजियस पर्टिकुलर प्लेस में, तो आप उस सुकून के लिए करते हैं, सेटिस्फेक्शन के लिए, लाभ के लिए नहीं। तो हमारी जो गतिविधियां होती हैं, ये गतिविधियां कितने प्रकार की मैंने आपको बताई, दो प्रकार की। कौन कौन सी? आर्थिक क्रियाएं यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऐसी गतिविधियां जिसका उद्देश्य लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना होता है, ऐसी गतिविधि को हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। और ऐसी गतिविधि जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि, जैसे हमने पढ़ा था कि कल्याण, यदि आप बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, आप गली चलते किसी की जरूरतमंद की सेवा कर रहे हैं, तो आप वो लाभ कमाने के लिए नहीं है, वो आप आत्मसंतुष्टि के लिए, क्योंकि आपको उससे सुकून मिलता है, आपको अच्छा लगता है यदि आप किसी की मदद कर देते हैं, तो वो गतिविधि आपकी आर्थिक क्रिया नहीं मानी जाएगी, वो अर्थव्यवस्था का एक्चुअल में पार्ट नहीं माना जाता, वो एक्चुअल में मॉडर्न इकोनॉमिक्स की यदि हम बात करें, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात करें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें, तो वो अर्थव्यवस्था का पार्ट नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि उस गतिविधि में आपके लिए धन का कोई रोल नहीं है। अर्थ, आर्थिक क्रिया हम किसको कहेंगे जिसमें अर्थ की बात हो। तो यानी कि आप सामाजिक सेवा कर रहे हैं, आप धार्मिक सेवा कर रहे हैं, तो ये आपका दैट इज ह्यूमन एक्शंस, ह्यूमन एक्टिविटीज, होल पर्पस ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अटेन वेल्थ बट टू सेटिस्फाई वन सेल्फ। सोशल सर्विस, रिलीजियस सर्विस, ये क्या है? अनार्थिक क्रियाएं। लेकिन जब आप कोई ऐसी क्रिया करते हैं जिसका उद्देश्य धन की प्राप्ति होता है, तो वो आपको क्या कहलाता है? आर्थिक क्रियाएं कहलाता है। और आर्थिक क्रियाएं प्रमुख रूप से, ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप से चार प्रकार की आर्थिक क्रियाएं मानी गई हैं अर्थव्यवस्था में, लेकिन आजकल एक और आर्थिक क्रिया जोड़ दी गई है जिसे हम राजस्व कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं, यानी कि उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व, दैट मींस प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और रेवेन्यू। ये टर्मिनोलॉजी है जो आपको नॉर्मली इसको समझना है कि आखिरकार इन शब्दों का मतलब क्या होता है, आखिरकार इन शब्दों का मतलब क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करना है। ठीक है, सो अब यहां पर हम आते हैं उत्पादन को समझते हैं। उत्पादन क्या होता है? उत्पादन क्या होता है? अब सिंपल सी चीज है, मैं आपको बताता हूं। आप लीजिए गेहूं लीजिए, वीट, उस गेहूं को खाइए। क्यों? गेहूं को आटा क्यों बनवाते हैं? गेहूं से आटा बनवाते हैं और फिर आटा भी नहीं खाते हैं, फिर रोटी बनवाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, कई बार तो गेहूं से रोटी भी नहीं बनवाते, ब्रेड बनवा लेते हैं, तो मींस उस आटे का, अब आटे का ब्रेड बनवा लेते हैं, तो कई बार तो ब्रेड भी नहीं खाते हैं, ब्रेड पकौड़ा बनवाते हैं फिर खाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि गेहूं से ज्यादा वैल्यू आटे की है और आटे से ज्यादा वैल्यू रोटी की है। यानी कि जो गेहूं से
गेहूं से आप आटा बना रहे हैं तो उसके महत्व में वृद्धि कर रहे हैं. यू आर इंक्रीजिंग, यू आर इनहेंसिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. एंड वेन वी इनहेंस, वेन वी इनहेंस द इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ एनी प्रोडक्ट, वी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. यानी कि जब हम किसी उत्पाद के, उसके उत्पाद के महत्व में वृद्धि करते हैं तो हम उसके प्रकृति, उसके रूप में परिवर्तन करते हैं. गेहूं है, गेहूं से आटा बना देते हैं, परिवर्तन हुआ उसके संरचना में, उसके आकार में. आटे से गेहूं, आटे से रोटी बना देते हैं, उसकी संरचना में परिवर्तन हुआ, उसके महत्व में भी वृद्धि हुई. तो जो ये प्रक्रिया होती है किसी भी उत्पाद के महत्व को बढ़ाना, उसके वैल्यू को बढ़ाना, वैल्यू एडिशन करना, मूल्यवर्धन करना. गेहूं से ज्यादा महंगा आटा होगा, आटे से महंगी रोटी होगी. तो जब इस प्रकार से आटे से ज्यादा ब्रेड होगा महंगा, ब्रेड से ज्यादा ब्रेड पकौड़ा होगा महंगा, इसका मतलब उसकी संरचना में भी परिवर्तन हो रहा है, उसके स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन हो रहा, चेंज हो रहा है, और उसके महत्व में भी वृद्धि हो रही है. इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इस क्रिया को उत्पादन कहा जाता है, इस क्रिया को प्रोडक्शन कहा जाता है. यानी कि एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच यूजफुलनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द इंपॉर्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज अंडर द प्रोडक्शन इट इज मैन्युफैक्चर्ड और यूज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. अब हम अपनी परिवर्तन, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन करते हैं. क्यों? क्योंकि हमको गेहूं से ज्यादा आटे का की आवश्यकता है, आटे से ज्यादा रोटी की आवश्यकता है. सो मीन्स यहां पर ऐसी आर्थिक क्रिया जिसमें वस्तु की उपयोगिता या वस्तु के महत्व में वृद्धि की जाती है, तात उत्पादन के अंतर्गत किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकता के अनुरूप निर्माण या उपयोग किया जाता है, उसकी संरचना में परिवर्तन होता है. अब जब हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन क्या ऐसे ही हो जाता है? नहीं होता. गेहूं को उत्पादन करने के लिए हमें श्रम की आवश्यकता होगी, गेहूं को उत्पादन करने के लिए हमें भूमि की आवश्यकता होगी, गेहूं के उत्पादन करने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होगी. इवन गेहूं से आटा परिवर्तित करने के लिए भी हमें दुकान, कहीं पर आटा चक्की की आवश्यकता होगी, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसमें श्रम लगाना पड़ेगा. तो ये क्या है? जब हम उत्पादन करते हैं तो हमें श्रम भी चाहिए होता है, हमें पूंजी भी चाहिए होता है, हमें तकनीक भी चाहिए होता है. दैट मीन्स लेबर कैपिटल टेक्नोलॉजी प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. यानी कि उत्पादन की प्रक्रिया में किसका रोल होता है? उत्पादन की प्रक्रिया में किसका रोल होता है? उत्पादन की प्रक्रिया में रोल होता है भैया लेबर का. उत्पादन की प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी का, उत्पादन की प्रक्रिया में पूंजी का. उत्पादन मैं भी कर रहा हूं, उत्पादन हम भी उत्पादन कर रहे हैं कि नहीं? आपके ज्ञान में आवर्धन हो रहा है या नहीं? आपके ज्ञान में आवर्धन, मेहनत लग रही है या नहीं लग रही? सो मीन्स यहां पर यह भी उत्पादन है. दूसरा उपभोग. अब उत्पादन क्यों करते हैं? अच्छा ये बताइए कि किसान है, गेहूं का उत्पादन क्यों करता है? किसी के पास गेहूं है, आटे में परिवर्तन क्यों करता है? आटा है किसी के पास, वो रोटी क्यों बनाता है? क्योंकि एक्चुअल में उत्पादन का उद्देश्य ही वही होता है, उपभोग करना, कंजप्शन करना. कंजप्शन यानी कि उत्पादन का उपयोग ही उपभोग कहलाता है. हम सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि वह आर्थिक क्रिया अर्थव्यवस्था की जो उत्पादन के उद्देश्य को पूरा करती है, तात उत्पादन का उपयोग ही उपभोग कहलाता है. अब यह उत्पादन का उपभोग होगा कैसे? हम आटा लेकर के गए, आटा से हमने प्रोडक्शन करवाया. मींस गेहूं लेकर के गए आटे चक्की के पास, फ्लोर मिल के पास, उसने आटा बना दिया, हम लेकर के आए, उसे रोटी बना करके खा गए. अब उस आटे वाले को हम पैसा देते हैं. क्यों? क्योंकि उसके उत्पादन की प्रक्रिया में जो मूल्य वर्धन किया उसके वजह का वैल्यू, उसका मूल्य देते हैं. यानी कि उत्पादकों को उत्पादन का मूल्य अदा कर आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति करता है. जो उपभोग करता है वो उपभोक्ता, यानी कि जो कंजप्शन करता है वो कंज्यूमर, और जो प्रोडक्शन करता है वो प्रोड्यूसर, जो उत्पादन करता है उत्पादक. तो कंज्यूमर जो है उत्पादक को मूल्य देता है, और उस मूल्य के बदले वो उपभोग की वस्तु लेकर के आता है.
वो उपभोग की वस्तु लेकर के आता है। अब इसके बाद आता है कहां पर, यहां पर हम मार्केट जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कपड़े की दुकान पर गए। अब समझिएगा, मान लीजिए कि आप जो हैं, आप लोग क्या हैं, आप लोग खरीदार हैं कपड़े के, आपको कपड़ा खरीदना है, लेकिन मैं कपड़े का विक्रेता हूं, मैं मेरी फैक्ट्री है, मैं मान लीजिए सपोज कि मेरी फैक्ट्री है और मैं वहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, टेक्सटाइल की फैक्ट्री है। अब मुझे कपड़ा बेचना है, आपको कपड़ा खरीदना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कपड़ा कहां से खरीदे हैं, और मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको खरीदना है, आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे बेचना है। तो फिर क्या करते हैं, तो फिर एक ऐसा कॉमन प्लेस बनाते हैं जहां पर आप भी आते हैं, जहां पर हम भी जाते हैं, यानी कि जहां पर क्रेता भी आता है और जहां पर विक्रेता भी जाता है, और उस कॉमन प्लेस को हम क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। और बाजार में क्या होता है, बाजार में मैं अपनी चीज बेचता हूं और आप मेरी चीज खरीदते हैं, और उसके बदले मुझे पैसे देते हैं और मेरे सामान लेकर के जाते। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रय और विक्रय होता है। लेकिन क्रय विक्रय कैसे होता है, पहले के जमाने में कहा जाता है कि बार्टर सिस्टम चलता था, एक चीज के बदले दूसरी, एक चीज लो दूसरी चीज दो। लेकिन अब क्या है, अब उसका माध्यम पैसा आ गया है, पैसा दीजिए सामान लेकर के चाहिए, यानी कि समझिएगा मेरी बात को कि मार्केट एक माध्यम है जहां पर क्रेता और विक्रेता मिलते हैं, और उस मार्केट में जो क्रय विक्रय होता है, सेल एंड परचेज होता है, वो क्या कहलाता है, उसी को विनिमय कहा जाता है, उसी को एक्सचेंज कहा जाता है। एक्सचेंज एक आर्थिक प्रक्रिया है, एक आर्थिक क्रिया है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक्सचेंज या विनिमय, जहां पर क्रेता और विक्रेता, सेल एंड परचेज होती है। और उस सेल और परचेज में दो चीजें माध्यम की भूमिका निभाते हैं, एक मार्केट जो प्लेस होता है, कॉमन प्लेटफॉर्म, और दूसरा आपका पैसा, रुपया। रुपया एक्सचेंज का आजकल माध्यम हो गया है। और चौथी, यानी कि वही चीज यहां पर भी लिखी हुई है कि वह आर्थिक क्रिया जिसका संबंध वस्तुओं की खरीद और बिक्री से होता है, विनिमय कहलाती है। द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एज एक्सचेंज। समझ में आ रहा है सभी को, रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। समझ में नहीं आए तो जरूर बताइएगा, रिकॉर्डेड क्लास भी देखें तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा अब एक और एक्टिविटी आती है जिसको कहते हैं वितरण, जिसको क्या कहते हैं, वितरण। दोस्तों जब भी कोई भी चीज उत्पादन करते हैं तो समझिएगा, जहां पर हम किराए से लेते हैं, दुकान खोलते हैं तो किराए से लेते हैं, उसकी किराए, उसका किराया देते हैं कि नहीं देते हैं। जमीन लेते हैं तो किराया देते हैं, श्रम करते हैं तो मेहनताना मजदूरी लेते हैं, पूंजी लगाते हैं तो ब्याज लेते हैं, या कोई उद्यमशीलता, अपना दिमाग लगाया हमने तो उस उद्यमशीलता, हमने फैक्ट्री लगाई तो उसके बदले लाभ लेते हैं, लेते हैं या नहीं लेते। दैट मीन्स लैंड का, भूमि का मूल्य अदा करते हैं रेंट के रूप में, लेबर का मूल्य अदा करते हैं वेजेज के रूप में, कैपिटल का मूल्य अदा करते हैं इंटरेस्ट के रूप में, और इंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट के रूप में। तो वितरण क्या है एक्चुअल में दोस्तों, जो उत्पादन की प्रक्रिया में चीजें लगी हैं उसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वह आर्थिक क्रिया जिसका संबंध उत्पादन के साधनों की कीमतों से होता है। अब ये जो चीजें मैंने आपको बताई, मैंने आपको बताया क्या, जमीन, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता, ये क्या है, उत्पादन के साधन है, यानी कि जिन साधनों की मदद से उत्पादन किया गया, जिन फैक्टर्स के वजह से, जिन फैक्टर्स का प्रयोग करके प्रोडक्शन किया गया, उस प्रोडक्शन का, उस उन फैक्टर्स उत्पादन के साधनों का मूल्य जो होता है वो वितरण कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो ये भी एक आर्थिक क्रिया, यानी कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य आप देखिएगा लगभग क्या पूरा ही लाभ वाला होगा, धन के इर्द गिर्द वो घूमेगा। तो ये चार जो मैंने आपको बताई, कौन कौन सी, प्रोडक्शन, उत्पादन, उपभोग, प्लस विनिमय, एक्सचेंज, और वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, ये चार आर्थिक क्रियाएं जो हैं, परंपरागत रूप से इन्हीं को माना जाता था। एक और आर्थिक क्रिया को आजकल जोड़ा जाता है, और वो आर्थिक क्रिया विशेषकर देशों के संदर्भ में अर्थव्यवस्था में जोड़ी जाती है, जिसमें सरकार खर्च करती है, और सरकार के खर्च करने के लिए क्या करती है, सरकार उनसे टैक्स वगैरह वसूलती है, कितना खर्च करना है, कितना टैक्स लेना है,
ये भी एक आर्थिक क्रिया माना जाने लग गया है, एक नई आर्थिक क्रिया के रूप में देखा जा रहा है, अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया मानी जाने लगी जिसमें कर शुल्क जैसे विषयों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो रेवेन्यू को भी एक आर्थिक क्रिया के रूप में, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में देखा जा रहा है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी एक आर्थिक क्रिया। ये चार आर्थिक क्रियाएं मैंने आपको, पांच आर्थिक क्रियाएं बता दी, चार ट्रेडिशनल और पांचवी आपकी राजस्व। सो दैट्स इट, अब लेक्चर नंबर 3 होगा। 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा देख लीजिएगा। तीसरे लेक्चर में भी अभी इंट्रोडक्शन पार्ट चलेगा, क्लासिफिकेशन में आएंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग अनडेवलप्ड, डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, विस्तार से जानेंगे क्षेत्र क्या होते हैं अर्थव्यवस्था के, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ये क्या होते हैं इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, लेकिन इसके साथ साथ और भी बता दूं, मेरे कोर्सेज यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कोर्सेज प्री के लिए 3 यूनिट प्री की और दोनों दो पेपर पूरे के पूरे 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 के पूरे दो पेपर मेंस के पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 4 ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव आप ज्वाइन कर सकते हैं पेपर नंबर 2 का अभी पोर्शन, ये आपको सुबह 9:45 पीएम से रहता है, जो लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा प्री प्लस मेंस का कंप्लीट बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेंस का कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, फॉरेस्ट सर्विस मेंस का कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और इन सब के लिए कॉमन सब्सक्रिप्शन, आपको अलग अलग सब्सक्राइब नहीं करना, हर बैच के लिए, हर टीचर के लिए, मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम प्लस इसके अलावा व्याकरण के एग्जाम्स के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन, कॉमन सब्सक्रिप्शन, किसी भी ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये रेफरल कोड जरूर प्रयोग करें, अपने डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं, PANDEY रेफरल कोड का प्रयोग करके आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भी सब्सक्रिप्शन लें, ये किसी भी इवेंट कैटेगरी का लें, इस रेफरल कोड का जरूर प्रयोग करें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, क्लास को लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा, थैंक यू सो मच।